दतिया से 70 किलोमीटर दूर गोविंद महाविद्यालय के प्राचार्य एसएस गौतम ने विद्या की देवी मां सरस्वती के बारे में अपशब्द बोलने का एक वीडियो 3 दिन से वायरल हो रहा है। इसके विरोध में अनेक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर एसपी एवं शासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी न होने की वजह से आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एसएस गौतम की गिरफ्तारी एवं पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक विवेक सिरोठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया अल्टीमेटम। गोविंद महाविद्यालय के प्राचार्य ने सरस्वती मां पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कॉलेज प्राचार्य को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, साथ ही उन्हें पद से पृथक किया जाए। इसी मांग को लेकर पिछले दिन एनएसयूआई अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने राजगढ़ चौराहे पर एसएस गौतम का पुतला फूंककर अपना रोष व्यक्त किया था। आज सपाक्स कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन किसी कारण बस विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सपा कार्यकर्ता मनोज ढोगरा जिलाध्यक्ष एवं समीर श्रीवास्तव जिला संयोजक ने चौक मैदान पर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी कार्यवाही न होने पर जिला बंद करने का आह्वान किया। इस दौरान अनुराग शर्मा, राहुल राजा, हेमो राजा, अंकित गुप्ता भी मौजूद रहे। दातिया से राकेश सिंह सिसोदिया। अनुरोध करते हैं जो कानूनी कार्रवाई बनती है, हमारे वकील साहब भी अभी साथ में थे, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अभी टिप्पणी करने पर जो उन पर कानूनी कार्रवाई करती है वो पुलिस के रूप में प्रशासन के रूप में करिए। साथ में हम लोग और माँ सरस्वती का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 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 आज से 2-3 दिन पहले एसएस गौतम प्राचार्य सेवड़ा महाविद्यालय ने मैया एक समझ लो हिंदू धर्म में जो कि अपन शिक्षा कहते हैं उसकी जगत जननी मैया माँ सरस्वती माता के ऊपर आपत्तिजनक ऐसे शब्द कहे हैं जो कि एक हिंदू धर्म में और किसी भी धर्म में उनको अनिंदनीय ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे शब्द कहना एक अपनी माँ के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, जो व्यक्ति सरस्वती माता ने उसे विद्या दी और इस मुकाम तक पहुंचाया, उस मैया की लाज ना रख के आज ऐसी अनलीगल बातें कर रहा है तो क्या उसके संस्कार होंगे, क्या उसका परिवार होगा, क्या उसका चरित्र होगा। हमारी तो इतनी मांग है कि जी मैं एडवोकेट समीर श्रीवास्तव जिला संयोजक सपाक्स समाज दतिया मध्य प्रदेश। आपने यहाँ कार्यक्रम रखा था पुतला दहन का, क्या वजह थी आंदोलन करने की? वजह ये थी कि जो सेवड़ा महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदस्थ है एसएस गौतम, उसने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है और अश्लील बातें की हैं, उसके लिए उसे सबक सिखाने के लिए और गिरफ्तारी के लिए और निलंबन के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन पुतला दहन का रखा हुआ था। और अगर जो एसपी एडिशनल एसपी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है बार बार अनुनय विनय करके कि आप लोग आज का प्रोग्राम अपना पोस्टपोन कर दें, अगर 3 दिन के अंदर हम लोग उस वो प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं करता और कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। असल में जो अभी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है आजकल बहुत ज़ोरदार तरीके से कि जो गोविंद महाविद्यालय सेवड़ा में जो प्राचार्य जी हैं एसएस गौतम जी, उन्होंने माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी के बारे में अपशब्द और अश्लील टिप्पणियाँ की हैं, उसके विरोध में यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था सपाक समाज की तरफ से। लेकिन हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मंजीत चावला जी, उनके विशेष आग्रह पर, उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है, एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 3 दिवस के अंदर हम उसको गिरफ्तार करके कार्रवाई करेंगे और अगर अगर उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की तो हम लोग फिर उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे और सड़कों पर उतरकर बाजार बंद और जो भी हम लोगों की समझ में और पब्लिक के सहयोग से जो भी संभव होगा वो सारी पब्लिक के सहयोग से ही होगा।
हाल में था, जैसे ही मुझे पता चला कि चौड़ा डिग्री कॉलेज में पदस्थ प्राचार्य एस एस गौतम द्वारा माँ सरस्वती के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, मैंने तत्काल फ़ोन पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद मेरे पास उसका वीडियो भेजा गया। जब मैंने उसको देखा तो वास्तव में इतना गलत उन्होंने हमारी माँ सरस्वती के लिए बोला कि ये लगा कि तत्काल ही अगर सामने होता तो उनके खिलाफ मैं कुछ कर देता। लेकिन मैं सुबह वापस आया और आके सबसे पहले मैंने एसपी को ज्ञापन दिया कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। एसपी के द्वारा मुझे बताया गया कि उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। आप विधानसभा भी लगा चुके हैं इनके मामले में? मैंने इनके खिलाफ 2 बार विधानसभा लगाई है। इनका एक रोज का है, जब भी कोई हमारे कॉलेज के छात्र कॉलेज में जाते थे तो उनके द्वारा उनके लिए अभद्र बातें करना और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लगातार बोलना, यह इनकी मानसिकता है। ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के साथ साथ तुरंत शिक्षा अपनी नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो भी अधिक से अधिक इनके ऊपर प्रकरण हो वो लगाए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सब लोग पूरा समाज होकर आंदोलन। जी क्या मामला है? मामला ये है कि जो प्रोफेसर गौतम है इनके द्वारा पूर्व में और अभी जो हिंदू भावनाओं को और हिंदू देवी देवता हैं उनको ठेस पहुंचाने का जिस प्रकार काम किया गया, उन्होंने गोविंद महाविद्यालय में रहकर वहां जो सरस्वती माता की प्रतिमा है, एक किसी व्यक्ति के कहने पर कि सरस्वती माता पे अगरबत्ती लगाई जाती है तो वो सरस्वती माता को वेश्या कहते हैं और उन पे क्या गंदी टिप्पणी करते हैं कि जो भी वाद्य यंत्र बजाता है उसके सेक्सुअल अंग बहुत अच्छे होते हैं, वो सेक्स करने में माहिर होती है। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि इस भारत में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी छात्राएं हैं, जितनी भी जो अपने वाद्य यंत्र बजाती हैं उन सभी में